मैं वो यही नहीं चाहता। ना वन मोर यार। तो मैंने भी मारा। अन्य, it was like I was mesmerized, happy, delighted. एस्टोनिश्ड, इतने सारे इमोशंस एक साथ चल रहे थे जब मैं कंपटीशन में थी और अभी भी. सो इट वाज अ फैंटास्टिक जर्नी. वेल, देयर वाज अ ऑडिशन गोइंग ऑन फॉर मिस एशिया इंडिया एंड आई हैपन टू पार्टिसिपेटेड इन दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट जस्ट डिडंट हैपन आउट ऑफ द ब्लू कि मेरे साथ अचानक से ऐसा हो गया. आई वाज ऑलवेज बीन ड्रीमिंग अबाउट इट. सीरियसली, आई हैव बीन विजुअलाइजिंग अबाउट इट. प्रियंका चोपड़ा जब भी जीती थी एंड शी वॉज वेविंग एंड यू नो फ्लाइंग इन द एयर, अ किस इन द एयर. सो मैं एक्चुअली मैं घर से बाहर गई थी टेरेस पे और मैंने ऐसे ही किया था कि फोटोग्राफर्स हैं, मेरी पिक्चर्स ले रहे हैं, मैंने ग्राउंड पहना हुआ है और मैं भी ऐसे ही वेव कर रही हूँ. नहीं पता था कि ये सच में रियलिटी हो जाएगा एंड इट्स फैंटास्टिक. एक्चुअली वेब सीरीज़ मैंने पहले किया और कॉन्टेस्ट मैंने बाद में किया. वेब सीरीज़ जब मैंने किया था, ऑफकोर्स वो भी ऑडिशन वगैरह से ही किया था. ऑडिशन से मुझे पार्ट मिला और उसके बाद मैं और भी ज़्यादा मोटिवेटेड हो गई अपने ड्रीम के लिए. उसके बाद मुझे लगा कि मुझे मेन लीड सिनेमा करना है, मुझे अच्छा कैरेक्टर्स करने हैं. एंड आफ्टर दैट माई मोटिवेशन हैज़ ड्रिवन मी सो मच इन टू इट. सो अगेन, it was a very interesting role. The web series as a whole was all about what if society changes its mindset towards man and a woman, like how we treat a man and how we treat a woman when they're PMSing. So in the web series, actually men were PMSing and we were treating them as we've been treated now, and I am acting as a man, like a man woman who is defending a man. So it was a very interesting character that I've played in a web series of Yash Raj's. Okay, before choosing a script, what are the things you kept in mind? That's one thing. See, I am a creative person. I just want to let flow of my creativity. I don't want to block my mind into thinking something. I want to do only this kind of role, or I want to work with only this kind of directors. No, it's an everyday endeavor that you have to keep on doing and just keep looking for challenging work and challenging directors that you want to work with. I'm just not blocking myself. एक्चुअली मुझे लगता है कि ये जब जीतते हैं और रोना आता है और आंसू आते हैं तो क्या एक्टिंग है? नहीं, वो एक्टिंग नहीं होती है, वो फीलिंग होती है जो बाहर आती है. एक्चुअली मेरी आंखों में पानी था और तब मुझे फील हुआ कि क्या लगता है जब सपने सच होते हैं और सक्सेस एक्चुअली में क्या मीन करती है. सक्सेस मे बी डजंट मीन कि आप बहुत बड़े अमीर हों, लेकिन नहीं, इट्स ऑल अबाउट व्हेन योर ड्रीम कम्स ट्रू. छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है. सो ब्यूटिफुल. फर्स्ट कॉल, मैंने ये टियारा पहन के अपने मॉम को कॉल किया था बिकॉज उन्होंने दो तीन दिन से खाना नहीं खाया था एंड शी इज़ बीन ओनली प्रेइंग फॉर मी कि मैं जीत जाऊँ. मैंने उन्हीं को कॉल किया और कॉल करते ही, मतलब वो आज तक मैंने उनकी इतनी तेज़ आवाज़ अपनी लाइफ में तो नहीं सुनी थी. जिस खुशी से वो चिल्लाई थी, तू जीत गई, तू जीत गई, तू जीत गई. यस मॉम. मुझे याद भी नहीं है कि मैं कब से चाहती हूँ एक्ट्रेस बनना. मैं बचपन से ही एक्टिंग में आना चाहती हूँ और इसीलिए मैंने थिएटर, इट्स नॉट समथिंग कि मैं एक्ट्रेस बन जाऊँगी, बहुत आसान काम है. बिल्कुल आसान काम नहीं है. एक कॉमर्स बैकग्राउंड का बंदा डॉक्टर बन सकता है,
लेकिन नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से एक्ट्रेस बनना इट्स नेक्स्ट टू व्हाट यू से वेरी डिफिकल्ट. आई नॉट से इम्पॉसिबल बट आई हैव बीन ऑलवेज ऑलवेज ड्रीमिंग अबाउट इट. और थिएटर किया, फिर वेब सीरीज की, फिर ब्यूटी पैजेंट जीता. सो यस, एज आई सेड आई डोंट वॉन्ट टू ब्लॉक माई सेल्फ कि मैं यही जॉनर में काम करना चाहती हूँ. मुझे ग्लैमरस रोल भी करना है, मुझे डी ग्लैम रोल भी करना है, मुझे आई वोंट इवन प्लेइंग एन इनक इफ स्क्रिप्ट आस्क फॉर, इफ अ डायरेक्टर आस्क फॉर. ऑल चैलेंजिंग वर्क आई वॉन्ट वर्क आई वॉन्ट डू. एंड द डायरेक्टर्स दैट आई स्पेशली वॉन्ट वर्क विद संजय लीला बंसाली एंड फरहान अख्तर. संजय लीला बंसाली एक एक्टर के अंदर से, मतलब आई डोंट नो वो क्या निकाल के लाते हैं, एक्टर एक अलग ही लेवल पे चला जाता है. सो आई वांट टू वर्क विद हिम. इतना हुआ है तो ये भी हो जाएगा. आफ्टर माय मॉम माय रोल मॉडल इज प्रियंका चोपड़ा. द अमाउंट ऑफ करेज, द अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस, द अमाउंट of spunkiness she has, I've not seen any female like her. And she's ruling all over. No matter what she does, she is 200% on it. Even if I can be 20% of what she does, it's like, okay, I have done something in my life. Because jo Priyanka ne apni life mein achieve kiya hai, it's commendable. Hats off to her. Any Bollywood actor you want to work with? Three trios like Khans and Ranveer Singh, Varun Dhawan. I like the spunkiness that Ranveer Singh has in it. So yes, Ranveer Singh and Varun Dhawan. Web series you're talking about? Yeah. Ah, yes, yes. Right, right. Web series is already there on YouTube. It's been already released and is being applauded by so many, it's been already gaining its popularity on YouTube. So it's already there. And yes, I guess digital is something which is fabulous in future. And there are so many talents that can show their talents in that platform. So it's a very good platform. There are so many things that I've been talking about, but I don't want to disclose them at all. Because मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं बोल दूँ हाँ मैं इनके साथ में यू नो काम चल रहा है या बात चल रही है, फिर बाद में आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू ऑल दैट ऑल दोज थिंग्स. डेफिनेटली यू विल कम टू नो अबाउट इट. दिस इज समथिंग विच आई हैव ऑलरेडी थॉट अबाउट लाइक 8 months बैक. आई एम enthusiastic, like I'm a completely health freak person. So keeping that thing in my mind, I am doing a professional course into health, dietetics and nutrition. I want to start up my own YouTube channel wherein I'll be informing and imparting my knowledge to women, because according to me, you educating a woman is educating a family. So I want to educate women regarding health. This is my resolution. Yes, I'm going to start my YouTube channel on health. Thank you so much. Main focus hata lu.